नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जैनंद है। ये मेरा चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं टेक की वीडियो बना के हिंदी में अपलोड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि हमने कुछ वीडियो वीडियो बना के अपलोड करी हुई है और इन फ्यूचर भी मैं अपलोड करता रहूँगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी डीआर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी डीआर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीआर टेक्नोलॉजी के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसके अंदर देखेंगे कि अगर आप लोग जीमेल के अंदर गूगल ड्राइव यूज करते हो और कोई भी आपने अगर गूगल सीट बना रखी है, उसको अगर एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करना हो या एक्सेल फाइल के अंदर यूज करना हो अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में, तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने जीमेल के अंदर गूगल ड्राइव के अंदर जाके उस गूगल सीट को ओपन करना है। जैसे कि मेरा जीमेल आईडी है और ये मेरा गूगल ड्राइव है, यहाँ पर मैंने ये गूगल सीट बना रखी है, इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद क्या होगा, इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा या डाउनलोड करूँगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप उस सीट को ओपन होने दीजिए। ओपन होने के बाद जब आपका पूरी तरह से ओपन हो जाए तो आप ये फाइल है ना, फाइल के अंदर जाना है, ठीक है। डाउनलोड एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जहाँ पे आपको डाउनलोड करनी है। चलिए मैं इसको डी ड्राइव में डाउनलोड कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ सेव कर दिया। एक तरीका तो ये हो गया कि उस सीट को आपको ओपन करके डाउनलोड करना है। दूसरा तरीका है किसी भी आप राइट क्लिक कीजिए, डाउनलोड, चलिए इसको मैं यहाँ से ट्रू कर देता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम चलते हैं अपने डी ड्राइव में। ये देखिए आपका डी आर टेक टू दोनों आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने गूगल ड्राइव से गूगल सीट को डाउनलोड कर सकते हो या उसको आप एक्सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो और अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर कुछ पूछना हो तो आप ऐसे कमेंट में पूछिएगा, उसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी जाते जाते आप लोगों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे डी आर टेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।